यूपी के हाथरस से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस थाना कोतवाली के सादाबाद इलाके में देर शाम पुरानी रंजिश को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 11 साल का एक बच्चा और एक युवक घायल हो गया। दोनों को उपचार के लिए सीएससी ले जाया गया, जहां से दोनों को हाथरस के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई। एसपी गौरव बंसवाल और एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया और परिजनों से पूछताछ की। आपको बता दें कि कस्बा सादाबाद के मोहल्ला कश्यपनगर में एक ही परिवार के दो पक्षों में पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। दो दिन पहले भी परिवार के लोगों में विवाद हुआ था और रविवार की देर शाम को फिर से दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों की महिलाओं में भी खूब कहासुनी हुई। बताते हैं कि इसी विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी, जहां हरिकेश नाम के शख्स के हाथ में गोली लगी, जबकि शरद के सीने में गोली लग गई। शरद की हालत काफी गंभीर थी। फायरिंग के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने शरद को मृत घोषित कर दिया, जबकि हरिकेश का इलाज किया जा रहा है। वहीं शरद की मौत के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कुछ पुराना विवाद चल रहा था, उसी को लेकर के समझौते के लिए जो दोनों परिवार थे वो आए थे आपस में बात करने के लिए, और उसी में कुछ आपस में कहा सुनी हुई, जिसमें विवाद हो गया। झगड़े में एक पक्ष ने उसमें से फायर किया दूसरे पक्ष पे, और बीच बचाव में जो एक बच्चा था 11 साल का, उसके उसमें गोली लगी है। दोनों एक ही परिवार के हैं। एक इसमें जो आदमी है उसके हाथ में गोली लगी है, जो मीडिएटर था इसमें, और दोनों को अस्पताल ले जाया गया है और आरोपियों की अभी तफ्तीश दी जा रही है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी उनका इतिहास वगैरह सब कंगाला जाएगा, कौन है ये, हैं एक ही परिवार के। एक पुराना विवाद इनका चल रहा था, जिसमें इन लोगों के बीच में बार बार लड़ाई झगड़ा होता था। वहाँ लड़ाई हो रही थी, उसी में उसने किसना नौकरी मारी, गोली बदमाश है, मूला कोई बात नहीं, बच्चे के पीछे झगड़ा हुआ है।